everybody to you. फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए हम एक न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फ़ोटोज़ का, तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज जो ट्यूटोरियल होने वाली है वो यहाँ पर लाइट मोशन एप्लीकेशन में होने वाली है। तो यहाँ पर ये वाली जो एप्लीकेशन जो ये वाली जो बीटमार्क और शेक इफेक्ट की लिंक है यहाँ पर आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर टेलीग्राम पे चले जाइए और यहाँ पर सर्च कर दीजिए एनएस एडिटर। तो यहाँ पर आपको मेरी जो चैनल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, उसे कर लीजिए ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको वीडियोज़ के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फाइनली हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइट मोशन एप्लीकेशन है इसे कर लीजिए ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको वो जो बीट मार्क होगी उसे कर लेना है डाउनलोड। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोजेक्ट में चले जाना, उसके बाद ये वाली जो बीट मार्क वाली इफेक्ट होगी इसे ओपन कर लेना है। इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉन्ग और यहाँ पर टेक्स्ट ऑलरेडी एडिड है, आपको अलग से ऐड करना है। तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो इसको। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड PNG यहाँ पर अलग से रखा है, आपको कोई अलग रखना है या फिर अपनी फ़ोटो को रखना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। कलर एंड फिल्स पे जाकर इसकी जो इमेज है इस कर दीजिए चेंज, ठीक है। यहाँ पर म्यूजिक के नाम को आपको ऐड करना, आप अपना नाम रख सकते हो। तो म्यूजिक पे क्लिक कर दीजिए, ऊपर यहाँ पर टाइटल लिखना होता है तो यहाँ पर हम एनएस एडिटर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए म्यूजिक में जो नाम है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये वाली प्रोजेक्ट का नाम एडिट करना है तो बीट मार्क में चले जाइए और यहाँ पर से आप नाम को एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो टेक्स्ट है इसमें ऑलरेडी इफेक्ट जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर आपको बाकी के सारे जो फ़ोटोज़ है वो ऐड करना है और उसमें इफ़ेक्ट्स लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली कर लेना है बैक और ये वाली जो शेक वाली प्रेसेट लिंक है इसे कर लीजिए डाउनलोड। तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो फर्स्ट वाली इफेक्ट कॉपी करने के लिए यहाँ पर नीचे दो जो फ़ोटोज़ है इस पर कर लीजिए सेलेक्ट और यहाँ पर देखिए आरो के बाजू में ऑप्शंस मिल जाएगी, इस पे जाना और कॉपी टू लेयर पे क्लिक कर देना। उसके बाद बैक चले जाना और अभी जो वीडियो बना रहे थे इसे कर लीजिए ओपन और यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट बीट मार्क के पास आ जाइए, आरो के बाजू वाली ऑप्शन पे चले जाइए और पेस्ट टू लेयर पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके का इंटरफेस जो हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे वाली फ़ोटो पे क्लिक कर दीजिए, थ्री डॉट्स पे चले जाइए और फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से कि यहाँ पर देखिए इमेज टू लिखा हुआ है उसके ऊपर उस पर भी क्लिक कर दीजिए, थ्री डॉट्स पे जाइए और फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर अभी अपनी फ़ोटो लगाने के लिए नीचे वाली जो फ़ोटो होगी इस पर क्लिक कर दीजिए, कलर एंड फिल्स पर चले जाइए, यहाँ पर इमेज का नाम शो हो जाएगा। यहाँ पर से आपको जिस भी किसी फ़ोटो को ऐड करना हो उसे कर लीजिए सेलेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से वही सेम वाली फ़ोटो यहाँ पर इमेज टू पे चले जाइए, उसके बाद एडिट ग्रुप पे चले जाइए और वही सेम फ़ोटो को आपको कर लेना है सेलेक्ट कुछ इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो फ़ोटो होगी उसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको सेकेंड वाली इफेक्ट लगाने के लिए बैक चले जाइए और यहाँ पर ये जो सेकंड वाली प्रीसेट लिंक का शेक इफेक्ट है इस पर क्लिक कर दीजिए, एरो के बाजू वाले ऑप्शन पे जाकर कॉपी लेयर पे क्लिक कर दीजिए, फिर बैक चले जाइए और अभी जो वीडियो बना रहे थे इस पर चले जाइए और यहाँ पर देखिए आपको सेकंड बिट मार्क के पास आ जाना है, एरो के बाजू वाले ऑप्शन पे जाके पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। फोटो वाली को भी इस पर क्लिक कर दीजिए, थ्री डॉट्स पे जाइए और फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब ये वाली फ़ोटो को चेंज करने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए, कलर एंड फिल्स पे जाइए, इमेज का नाम शो हो जाएगा, वहाँ पे से आप दूसरी वाली फ़ोटो को कर लीजिए सिलेक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो
यहाँ पर बीट मार्क दी गई है वहाँ पर भी आपको यही दो इफेक्ट को लगा देनी है, फर्स्ट ये वाली को लगानी है, उसके बाद सेकंड ये वाली को। तो इस तरीके से आपको सभी जो बीट मार्क्स है वहाँ पर फोटो को ऐड कर लेना है और ये वाली इफेक्ट को लगा देना है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक